नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और बड़े अगर हम ध्यान से देखते हैं और सरल तरीके से इस पाम को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे ये जो भाग है हथेली का, एकदम बहुत सारी रेखाएं भी इनमें हैं और ये भाग अन्य भागों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। और ये शुक्र का भाग है, ये मंगल का भाग है, निम्न मंगल का, और कहीं कहीं राहु का भाग भी ये दिखाई दे रहा है। और इन तीनों का नेगेटिव प्रभाव वर्तमान समय में आपके जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहले अगर दृष्टि देखते हैं तो मंगल का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिससे जो है जीवन में कन्फ्यूजन की समस्या पैदा हो रही है। जो निर्णय लेने की ताकत है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा असर ये डाल रहा है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखा गया है, देखने को मिल रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति के साथ साथ मानसिक परेशानी भी ये व्यक्ति को दे रहा है। और शुक्र थोड़ा सा आंशिक रूप से खराब है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है जो सुख है, जो आनंद है जीवन का, उसमें कमी आ रही है। ठीक है ना, सुख नहीं मिल पा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल में भी जो है गिरावट आनी शुरू हो रही है। शनि का भाग देखें तो ये वाला स्थान देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा साइन भी बना है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका आंशिक प्रभाव अभी 7.5 वर्षों तक रहेगा। ठीक है ना, ये बैठा हुआ है, इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी न किसी चीज़ में धोखा खा सकते हैं। कार्य आप करेंगे, अगर नौकरी में होंगे सब मेहनत आपकी होगी, परिश्रम आपका होगा, लेकिन श्रेय कोई और ले जाएगा, क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा। ये उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं ये आपको दे रहा है। जीवन में आप कई बार दुखी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो है काम में बड़ी सारी अड़चनें आ जाती हैं, बहुत सारी अड़चनें जो है आपके काम में आ जाती हैं, ये आपका शनि बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जीवन की जो खुशियाँ हैं उन खुशियों में कमी करने का ये शनि जो है कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अब कुछ स्पष्ट रूप से और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फिर मैं एक गहरे विषय पे जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और बड़ी सुंदर तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा और उसका जो उपाय निकलेगा वो विधिवत तरीके से आपको मैं लिख करके भेज दूँगा, आप उसको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकल करके और इस तरह जा रही है, लेकिन हृदय रेखा से आके एक यहाँ पे हृदय रेखा पे काट भी रही है। और जब धन और करियर की रेखा को हृदय रेखा में कोई ब्रांच काट ले, क्योंकि हृदय रेखा तो इस तरह से जा रही है, मनी ब्रांच आके इसको काट रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर कर गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण धन और करियर के मामले में अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। ठीक है ना, आपको ये संकेत कर रही है कि जो भी काम आप करेंगे धन और करियर के मामले में बड़े सूझबूझ के साथ आपको काम करना होगा, ये चीज़ आपके जीवन से मिट जाएगी और आपका जो विकास है वो निरंतर रहेगा, जो प्रोग्रेस है वो निरंतर बनी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वहाँ से आकर के
एक रेखा इस तरह से आ रही है और यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये आपकी जो भाग्य रेखा है इसको काट करके और शनि पर्वत पर वक्री बना रही है, एक दूसरे को धन की रेखा काट रही है। और शनि पर्वत जब वक्री हो जाता है तो रोजगार के मामले में बहुत सारी अड़चनें पैदा हो जाती हैं। ये भाग्य स्थान है, धन का स्थान है, और धन की रेखा को धन की रेखा काट रही है, करियर की रेखा को करियर की रेखा काट रही है। तो धन और करियर के मामले में बहुत बड़ी बाधा ये देती हैं, और आपके पूरी तरह से सबसे पहले रोज़गार को छीनने का ये कार्य करती हैं। अगर नौकरी कर रही होंगी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अड़चनें आने वाली हैं, और बहुत ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, ऐसी अगर स्थिति आती है तो नौकरी व्यक्ति की हथेली से चली जाती है। इससे जो है हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन इसका जो उपाय है बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत जो है प्रभावशाली होता है और बहुत सरल होता है, हर व्यक्ति इसका उपाय कर सकता है, लेकिन छोटा उपाय है लेकिन वैज्ञानिक उपाय है, करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनि बकरी भी है, शनि रुष्ट भी है, भाग्य स्थान ही सब कुछ होता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, जो ये रेखा जारी है ये मस्तिष्क की रेखा से जारी है, भाग्य रेखा जो है मस्तिष्क की रेखा से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और अपनी लगन से सफलता के उच्च शिखर को छूता है। निश्चित ही आप अपनी लगन से और अपनी मेहनत से और अपनी योग्यता से सफलता के उच्च शिखर को छूएंगे अपने जीवन काल में, लेकिन जब यहाँ पे ये बकरी स्थान ख़त्म हो जाएगा तब इसका प्रभाव पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ और दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छी है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। जो आपकी करियर और धन की रेखा है जिसे हम भाग्य की रेखा कहते हैं, वहाँ से एक पतली सी रेखा निकल करके अभी पुष्ट नहीं हुई लेकिन अच्छी रेखा है और सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब भाग्य की रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य की पर्वत पर जाती है ना, तो ये भाग्य के जो रेखा है इसके गुणों में वृद्धि कर लेती है और इसकी शक्ति को दुगना कर देती है, और ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी ना, जितनी अधिक स्पष्ट होगी जितनी सुंदर होगी आपके उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और आपकी जो उन्नति है वो भी अधिक होगी, इस रेखा के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको इस रेखा को पुष्ट करने के लिए क्या करना है, इस रेखा को पुष्ट करने के लिए सूर्य का उपाय करना है जो बहुत ही सरल होता है। थोड़ी सी दिनचर्या आपको बदलनी है, आपकी हथेली कह रही है कि जो आपकी दिनचर्या है वो थोड़ा जो अनबैलेंस हो गई है, इसीलिए ग्रहों का जो है नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है ये आपकी हथेली में दिखाते हैं। आप देखोगे आपकी जो ये जीवन की लकीर है, आपकी जो ये मस्तिष्क की लकीर है, आपकी जो ये धन और करियर की लकीर है ना, इस लकीर को निम्न मंगल से आके एक लकीर काट रही है लेकिन किसी भी जो है पर्वत पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सभी लकीरों का, जीवन की लकीर का, धन और करियर की लकीर का और मस्तिष्क की लकीर का ये रेखा जो है भेदन कर रही है यहाँ पे, और ये आपका जो है यहाँ पे देखा जाए तो राहु का क्षेत्र है, और उस राहु के क्षेत्र पे एक जो है यहाँ पे देखा जाए तो गुणा का चिन्ह ये बना रही है, माने क्रॉस बन रहा है हथेली के बीचों बीच। और जब हथेली के बीचों बीच क्रॉस बन जाता है तो राहु यहाँ पे नेगेटिव भाव में आ जाता है, और जब राहु जीवन में नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, और यही चीज़ जो है यहाँ पर आपको राहु दे रहा है। और किसको लेकर आती है, देखो जीवन की लकीर को ये काट रहा है, सही से समझिएगा,
तो जीवन में जो है हर जगह कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी। करियर और धन की रेखा को ये काट रहा है, तो किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, आपके रोज़गार को लेके, आपके आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। और बीच में क्रॉस बना रहा है इसको काट करके, तो निश्चित रूप से धन हानि भी ये कराता है। अगर आपके जीवन में धन हानि नहीं हुई है तो सजग रहिएगा, इसका उपाय कर लीजिएगा, लेकिन ये कर्जे की स्थिति दिलाता ही दिलाता है। अगर धन हानि नहीं हुई है तो कर्जा जरूर होगा जीवन में, बिना कर्जे का व्यक्ति नहीं रह सकता है अगर राहु की स्थिति है। और इसका जो प्रभाव रहता है 18 वर्षों तक रहता है, ये भी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें पैदा करता है। आपने देखा होगा अगर आप लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और आपका जो है शनि और राहु एकदम इस स्थिति में आ जाता है, तो अगर आप अगर किसी महिला की हथेली में ऐसा है तो उसके हस्बैंड की जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और साथ में डिवोर्स तक की नौबत आ जाएगी, रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे या ऐसा रोग लग जाएगा जिसको जो है डॉक्टर तक नहीं पकड़ पाएगा, रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न करता है, या धन हानि बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगी, या व्यक्ति कर्जे के तले दब जाएगा और जीवन में हर क्षण उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये है राहु। राहु जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है और वर्तमान समय में आपकी हथेली में यही राहु जो है बहुत ख़राब स्थिति में है। अब दो लाइनें हमने समझ ली। अब ये मस्तिष्क की रेखा का भेदन कर रहा है, काट रहा है इसको, मस्तिष्क की रेखा को, ब्रेन की लकीर को। और जब ये ब्रेन की लकीर को काटता है तो व्यक्ति के जीवन में, ब्रेन मतलब जो सोचता है, चिंता देता है, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा देने लग जाता है। और राहु खराब है तो जातक टेंशन से दूर होने के लिए नशे की ओर जाता है। कई बार व्यक्ति अल्कोहल लेता है, मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बरगद आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी होता है। कई बार जातक आलसी हो जाता है, जातक चीज़ों को छुपा देता है, या अगर ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया किसी की हथेली में तो व्यक्ति दूसरों की चुगली करने लग जाता है उसके पीठ पीछे, और दूसरों को परेशान करने में जातक को बड़ा आनंद आता है। भले ही बाद में जातक को तकलीफ हो जाए, लेकिन राहु जो जातक होता है दूसरों को परेशान करने में सबसे आगे रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपकी हथेली में ये केवल आपको परेशान कर रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जो है व्यक्तित्व वाली स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी जो है रोटी रोजगार वाली स्थिति को राहु और शनि मिलके जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसका मैं आपको एक सुंदर उपाय दूंगा, इसको विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। अगर उपाय आपको कोई उसमें समझ नहीं आता है तो मुझे फ़ोन करिएगा या ऑडियो मैसेज भेजिएगा, मैं निश्चित ही जो है आपके सवालों का जवाब दूंगा और जो है आपको भली प्रकार से समझा भी लूंगा। अब हम आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर शनि की तरफ झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। इसका मतलब है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है लेकिन हल्के रूप में सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है शनि के नेगेटिव गुणों में थोड़ा वृद्धि हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे रिंग फिंगर देखी जाए, रिंग फिंगर पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर जब इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। अब यहाँ पे हम देखें तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, ये मरकरी है और ये मरकरी की उंगली है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है और इसका झुकाव यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब ये उंगली इस उंगली की तरफ झुकती है, रिंग फिंगर की तरफ झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक, धन कमाने की ललक को पैदा भी करती है। और ये अच्छी बात भी है, धन सबको चाहिए होता है, बिना धन का कुछ भी नहीं है जीवन में। इसलिए कलयुग में धन का बड़ा महत्व है, इस भौतिक युग में धन का वास्तव में बड़ा महत्व है। लेकिन ये उंगली आपकी पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्तमान समय में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा सा कमी रहेगी, ये उंगली कहती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा इन दोनों उंगलियों के जड़ में, तीनों उंगलियों के जो जड़ वाला भाग है उसमें थोड़ा सा हल्का गैप दिखाई दे रहा है, पूरा छिद्र नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हल्के रूप में गैप दिखाई दे रहा है। और ये 35वें वर्ष तक, ये 50वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव रखता है। कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष तक जो है या तो धन के मामले में थोड़ा संघर्ष रहेगा, या धन के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे, या तो जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। मैंने कुल मिला के 50वें वर्ष तक पैसों का, अगर हम कहें पैसे बचे पाना, पैसा बचा पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, पैसा हथेली में टिक पाना थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन 50वें वर्ष के बाद आप देखोगे आपकी हथेली में सुख, समृद्धि और संपन्नता, ये तीनों चीज़ें प्रगति की ओर ले जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन पैसा टिकना थोड़ा 50वें वर्ष तक मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी इस बात की ओर आपकी हथेली यहाँ पे संकेत कर रही है। हाँ, शनि और राहु का अगर आप उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको, मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी हद तक आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब आपका अंगूठा देखें तो अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है अंगूठे के हिसाब से, और दोनों पोरों के बीच में एक शानदार यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसकी अंगूठे में ये यव का साइन बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति भावुक किस्म का व्यक्ति भी होता है। आप भी भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, और यूं कहें कि आपको अपने जीवन के 50वें वर्ष के बाद या 50वें वर्ष के आसपास अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, ये निश्चित है। यदि किसी कारणवश आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन में 50वें वर्ष के बाद अपने घर का सुख लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई, और इन दोनों मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है, और इसके जो जड़ वाला भाग है वो गुरु पर्वत है और इसका जड़ वाला भाग ये शनि पर्वत है। इन दोनों का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है इस रेखा पे,
और जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव, पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव आ रहा है जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत आपको करना पड़े आप करेंगी, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे, येन कैन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। अब थोड़ा सा जो है आपकी मस्तिष्क की लकीर को देखा जाए, आपके मस्तिष्क की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये परिचायक है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की। ये धनुषाकार है और मध्य चंद्रमा पे पहुंच रही है। रेखा तो अच्छी है, बुरा इसको नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचते रहते हैं आप, कल्पना ही करते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्रिएटिव है और आपको लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा, ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे देखा जाए तो दो भागों में विभक्त हो रही है और एक रेखा यहाँ से आके यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित तौर पे आपको जो है पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा और एक रेखा यहाँ पे भी त्रिकोण बन रहा है तो यही चीज़ें बता रही है कि पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। हृदय रेखा पे यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है तो अपनी कमाई हुई पैसों से घर का सुख तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको अपनी भूमि का भी लाभ मिलेगा, प्लॉट वगैरह आप खरीदेंगे अपनी ही कमाई हुई पैसों से। हाँ, राहु क्या रखता है, कैसा रहता है, शनि कैसा रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा, इसको आपको जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। अगर आप जीवन की रेखा को देखें, अपना जीवन की रेखा आपकी जो है धन और करियर की रेखा में समाहित होके और इसके परिणामों में वृद्धि कर रही है, बहुत अच्छा योग है। जिस व्यक्ति की जीवन की रेखा धन और करियर की रेखा में समाहित हो जाती है उस व्यक्ति को भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है। आपको भी जीवन काल में भाग्य का बहुत अच्छा साथ तो मिलता, लेकिन आपका इस रेखा को जो है एक नेगेटिव रेखा जिसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है, राहु की रेखा काट रही है, इसलिए आपको इसका फल जीवन में अभी नहीं मिला है। साथ में आपका शनि बकरी अवस्था में है तो इस तरह से जो है इसके फलों में कमी हो रही है। धन करियर की रेखा की बात हमने कर ली थी। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और है, आप अगर देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जो है जिद्दी किस्म का भी व्यक्तित्व आपका है और स्वतंत्र विचारधारा का भी व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है और कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि कई बार जो है आप गलत निर्णय ले लेते हैं और एक उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को भी अवरुद्ध कर लेती है, पछताना भी पड़ता है आपको। ग्रहों की अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे देखें अंगूठे का नीचे का ये जो भाग है आपका, इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, ठीक है ना। आपकी कला है, सौंदर्य है आपका, सुंदरता है आपकी, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में एक सुखद जीवन के लिए, शांति से भरा जीवन हो, सुख से भरा जीवन हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इस चीज़ के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी हथेली में पुष्ट तो है, ये आकर्षण दे रहा है आपके अंदर, सुंदरता दे रहा है आपके अंदर, परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है आपके अंदर, लेकिन सुख में थोड़ी कमी कर रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं वर्तमान समय में, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं मंगल के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया है इसी वीडियो में
कि जो है ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, मानसिक तनाव भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, ये आपको एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक मंगल ठीक है और एक मंगल आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका आचार्य बृहस्पति जी अगर देखें, ये बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पुष्ट हैं, सुंदर हैं। और आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से सुंदर होते हैं, पुष्टता होते हैं, ये जगह इस तरह से उभरी होती है, तो ये समझना चाहिए कि ऐसी जातक का श्रेष्ठ होती है, आप श्रेष्ठ हैं। स्वयं उन्नति तो करती हैं, जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं। सहयोग की भावना आपके अंदर है, लेकिन स्वाभिमानी भी है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका है। सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप। परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं भी हैं। और देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में आचार्य बृहस्पति जी अगर इस तरह से पुष्ट होते हैं तो ऐसा जातक विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। आपको जीवन में इस बृहस्पति महाराज की वजह से अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और जो ये समस्याएं चल रही हैं ना, कुछ समय तक तो रहेंगी, लेकिन आपके जीवन से ये समस्याएं चली जाएंगी, आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, बस थोड़े छोटे छोटे उपाय आपको करने पड़ेंगे। शनि के बारे में बता लिया, सूर्य का अगर यहाँ पे देखें तो सूर्य पे बहुत अच्छा जो है त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। जब राहु और शनि की स्थिति खत्म हो जाएगी, सूर्य थोड़ा सा हल्के प्रबल आ जाएंगे, तो निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगी। ये आपका जो है यहाँ पे सूर्य कहता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बुध बहुत अच्छा है, और बुध जिस तरह किसी भी व्यक्ति की हथेली में इतना सुंदर इतना खूबसूरत रहता है ना, तो ये पैकेजिंग का मालिक होता है, त्वचा का मालिक होता है। व्यक्ति भी बहुत सुंदर रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तन की सुंदरता बहुत खूबसूरत ऐसा व्यक्तित्व रहता है। और राहु का और शनि का प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगी, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी उसे पूरा अवश्य करेंगी। आपकी हथेली में वास्तव में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और व्यापारिक कार्यों में भविष्य में बहुत बड़ी उन्नति आपके जीवन में होगी, ये आपकी हथेली कह रही है, ठीक है ना। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, एक सहज सी मीठी वाणी, दूसरों को आकर्षित करने वाली वाणी बुध आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा वैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी जो है मन भटक जाता है, मन खराब सा हो जाता है, मन काम पर नहीं लगता है, और मन जो है अच्छा नहीं रहता है, और चिंता कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है अभी अनुकूल स्थिति में भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आपका जो है मणिबंध देखें, आपका मणिबंध बहुत अच्छा है, जो कह रहा है कि अभी कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन 50वें वर्ष के बाद जो है एक स्वर्णिम समय आपका आएगा, ये निश्चित है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और साथ में विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।